हे गाइस, दिस इज़ हार्वी एंड यू आर वॉचिंग हार्वी ब्लॉग्स। तो मैं आज 16 हॉस्पिटल में आई थी, जो 16 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मुझे वैक्सीनेशन करवाना था लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। मैं ऐसे ही जस्ट वैसे ही पहुंची थी कि अगर हो गया मेरा वैक्सीनेशन तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी। तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत रश था, तो मैं वापस आ गई। तो रास्ते में आते आते यहाँ पे रोज़ गार्डन पड़ता है सेक्टर 16B में, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं वहीं पे खड़ी हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, जो अभी मैंने कल एक ब्लॉग बनाया था, शूट किया था, तो वो सेक्टर 10 में जो गेड़ी रूट था, तो उसी के सामने ही रोज़ गार्डन है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बैक साइड पे, वहाँ पे ये लेजर वैली है। सो सेक्टर 10 है, 10B, और एकदम लाइक अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसके ऑपोजिट साइड रोज़ गार्डन है। जस्ट ऑपोजिट साइड एक बीच में रोड है, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे ब्लॉग बनाती हूँ आज। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पीछे देखिए जो मैंने कल शूट किया था, ये सारा वो सेक्टर है, सेक्टर 10 लेजर वैली। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये सारा रोज़ गार्डन है। तो इसकी एंट्रेंस वहाँ से होती है, बिल्कुल जस्ट सामने। और तो अभी मैं वहीं पे शूट करूँगी अंदर चल के, और मैं आपको दिखाऊँगी कि अंदर से कितना प्यारा है, कितने सारे रोज़ेस हैं यहाँ पे, तो मैं सारे आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ रोज़ गार्डन के। सो ये एंट्री है, यहाँ से एंट्रेंस है और एंट्री होती है यहाँ से। तो अभी मैं आपको सारा घूम के दिखाऊंगी, जस्ट एक बार देखिए आप, ये बहुत बड़ा है। तो मैं सारा आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैं अभी आगे चलती हूँ, मे भी थोड़ा लाइक क्लैरिटी नहीं होगी बिकॉज सन है वहाँ पे, एंड बट मैं आपको प्रॉपर एक व्यू दूंगी। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है आज, लाइक काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। सैटरडे है, न्यू ईयर है और विंटर्स हैं। विंटर्स में लोग प्रेफर करते हैं गार्डन में आके बैठना, तो यहाँ पे एकदम से ओपन है और लाइक नेचर है, तो लोग प्रेफर करते हैं जिनकी छुट्टी होती है वीकेंड्स पे, या फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं फ्री होती हैं आफ्टरनून में, तो वो यहाँ पे आ जाती है अपने बच्चों के साथ उनको घुमाना। एंड सो आप यहाँ पे प्रोफेशनल क्लिक्स भी करवा सकते हो, यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी होते हैं। वो देखिए मेरी बैक साइड पे शूट चल रहा है, उधर चल रहा है उनका। सो आप ऐसे क्लिक्स भी करवा सकते हो यहाँ पे, और साथ के साथ वो आपको फ़ोटोज़ भी दे देते हैं। और मैं इधर फाउंटेन देखिए, सन की वजह से क्लैरिटी नहीं है।
सो आपने देखा रोज़ गार्डन, ये बहुत बड़ा है। अगर मैं सारा शूट करूँगी इसको तो 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है। आप जब भी चंडीगढ़ आएँ तो ज़रूर आइएगा रोज़ गार्डन, बहुत सारी जगह है चंडीगढ़ में घूमने के लिए, तो रोज़ गार्डन भी उनमें से एक है, तो आप ज़रूर आइएगा। सो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।